अब हम आते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा गूगल से आपने जॉब छोड़ा पहले तो वो आसान नहीं होते बहुत अच्छा पैकेज पे थे आप डेफिनेटली सोशल मीडिया पे इतने आपको कॉन्फिडेंस था कि जितनी अर्निंग आप गूगल पे कर रहे हो या जॉब <laughs> पे कर रहे हो आपको सोशल मीडिया दे देगा सॉरी मुझे तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया से अर्निंग भी होती है hmm. पहली बार कोई कैंपेन आया पाँच का मेरा दिमाग खराब हो गया पाँच आ रहे मेरे पास मुझे पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया से आ, पैसे आते हैं ये तो आजकल के क्रिएटर्स को ज्यादा नॉलेज होती है इस चीज की क्योंकि इतना ग्रो हो गया ये फील्ड जब हम कर रहे थे ये चीज़ तब उतना एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस बंदा ही नहीं था इस फील्ड में आज आप जाके अपने से ऊपर वाले बंदे से पूछ सकते हो जैसे आपका ये स्टूडियो देख के मैं, मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि आगे अगर मुझे कभी पॉडकास्ट करना तो ये होना चाहिए पर आपके पास तो कोई विजुअल ही नहीं था ना ये तो आपने खुद से किया है hmm. आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था सिमिलरली मेरे पास भी कोई एग्जाम्पल नहीं था जब मैं सोशल मीडिया कर रही थी hmm. तो पैसों का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं क्योंकि मेरे पति ने बोल दिया था कि वो कम धन करके देगा hmm. uh, मैं कर रही थी पैशन के लिए एंड hmm. मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे पैशन है वहाँ पे पैसा है ही True. ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से पैसा आता hmm. चाहे मैं शोज कर रही होती चाहे मैं बर्थडे पार्टीज में जा रही होती आई डोंट नॉट नो मैं कैसे कमा रही होती बट मैं कमाती लेकिन आजकल है ना यूथ में एक समस्या और है वो क्या करते हैं कि जनरली जैसे आज अरविंद को देखा चलो मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं थोड़े दिन में जब शिवानी को देखा चलो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फिर किसी तीसरे पर्सन को देखो लिपसिंग लिप्सिंग वीडियो बनाते हैं तो खिचड़ी बनी हुई होती है प्रोफाइल के अंदर या यूट्यूब में भी फिक्स नहीं होता कि वो क्या करें तो आपको लगता है कि ऐसी प्रोफाइल को भी ग्रो करेगी इसके ग्रो तो करेगी क्यों नहीं करेगी बहुत व्यूज आएंगे ऐसी प्रोफाइल को बट हम बात करें पैसों की hmm. पैसा आएगा कि नहीं ऐसी प्रोफाइल को भाई आजकल इतने इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो दस लोग कैमरा पकड़ के खड़े हैं एंड एवरीबडी से ज्यादा भी व्यूज है पर क्या वो उस व्यूज से पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा पा रहे क्यों क्योंकि आजकल ब्रांड्स को डेडिकेटेड प्रोफाइल चाहिए अब एक लिपस्टिक का ब्रांड कॉमेडी वीडियो पे नहीं आना चाहता है वो सिर्फ फैशन के ब्रांड फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहता है सिमिलरली फाइनेंस um, का ब्रांड मेरे पास कभी नहीं आएगा क्योंकि उसको नहीं चाहिए फैमिली व्लॉगिंग उसको कोई मतलब नहीं है मेरे फैमिली व्लॉगर्स वाले कम्युनिटी से सो hmm. so, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को कमाना है उनको एक डेडिकेटेड प्रोफाइल पे फोकस करना चाहिए चाहे वो सेम वीडियो हर जगह डाल रहे हो

उसको और ले करना चाहिए गारमेंट के बारे में चाहिए उसको उसको एक्सपेंड करना चाहिए तो वो जगह आपको नहीं है सोशल मीडिया कोई स्कूल नहीं है लेकिन जैसे इन्होंने फिर से आपको बोलता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे ठीक है बट आप इस चीज का ध्यान रखो कि सेल्फलेसली अपने आप को तो पता होता है कि जो काम में नहीं कर सकता उसको ट्राई मत करो

भुवन बाम के टाइम पे देखा था जब वो मल्टीपल uh, कैरेक्टर्स कर रहा था मोबाइल के थ्रू तो काफी लोग आए थे इसे करने हाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए नहीं हो पाए थे।, थे और मुझसे अगर कोई बोले कि तुम कोई डांस का वीडियो बना दो मेरे पास बहुत बार आता है <laughs> यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे लिखा आता है डांस वीडियो बना दो लिपसिंग बना दो मैंने कभी नहीं बनाया कभी नहीं मुझे पता है कि मैं कैसा लगूंगा मैं पथेटिक सोच के मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है